करना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिले के साथ प्रदेश को करोड़ों की सौगात देंगे। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल पहली बार आजमगढ़ की धरती पर आगमन होगा, तो वहीं इस रैली को मद्देनजर रखते हुए यूपी पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। इस पर सीओ राजकुमार का क्या कहना है, सुनिए। इसलिए किया गया कि हम लोगों को ऐसी सूचनाएं मिली थी कुछ संदिग्ध लोगों के आने की, तो इसी संबंध में एकदम सवेरे सवेरे से ये चेकिंग अभियान चल रहा है। बहुत बृहद अभियान चल रहा है, जैसा आप देख रहे हैं चार टीमें हम लोग की बनी हैं छोटे बड़े होटलों में, ज़्यादातर यहाँ छोटे होटल हैं और किसी प्रकार के चोर उचक्के अपराधी न रुके, कुछ जो है गलत अनैतिक कार्यों की भी सूचनाएँ मिलती रहती है, तो ये जो है रेगुलर हमारी चेकिंग है और करती रहेगी। कुछ होटलों के लोगों से कहा गया था मैनेजर आदि से कि जो नियम है सराया के तहत कि आईडी वगैरह रखे हैं सभी, उसने आईडी नहीं रखा है बिना उसके किया है, तो उसके खिलाफ उन लोगों के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय को हम लोग लिखेंगे कि सराया के तहत जो इनका रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द किया जाए, होटलों को बंद कराया जाए। पीएम भी आ रहे आजमगढ़ इसको देखते हुए क्या? बिल्कुल, ये जो है वीआईपी विजिट्स हो रही हैं और ये इस दृष्टिकोण से बहुत ही हाईली सेंसिटिव है मामला, तो ये चेकिंग लगातार होती रहेगी और कार्रवाई होती रहेगी। आपके माध्यम से हम जनता को भी बताते रहेंगे, आपको भी सूचित करते रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आजमगढ़ में आगमन करेंगे, तो वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास को लेकर चौतरफा उत्साह देखा जा रहा है और पूरा शहर व मंदूरी तक जाने वाला मार्ग होर्डिंग्स और बैनर से पूरी तरह से पट गया है। एसपी 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।